नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जी एस अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने दो सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे, साथ ही साथ हम लोगों ने पिछली क्लासेस में अपना रिमोट सेंसिंग को कवर किया था। रिमोट सेंसिंग हमने एक ऐसा टॉपिक लिया था जिसमें कि हम लोग कुछ अलग से, कुछ एक्स्ट्रा, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, उस चीज़ को लेकर के हमने बात की थी। तो इसी तरीके के टॉपिक, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक्स हमें बताने की ज़रूरत है जो कि बीच बीच में आपका इंटरेस्ट बढ़ाते रहें, तो ऐसे टॉपिक्स आप बताते रहिए। हम उन टॉपिक्स को अपने जो भी करिकुलम है, अपने जो सिलेबस है, हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हमने पहली यूनिट के पूरे सेक्शन लिए, सेकेंड यूनिट के पूरे सेक्शन लिए, आज से हम लोग थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट में हमारा क्या है, थर्ड यूनिट में बेसिकली आपका बायोलॉजी सेक्शन है, है ना। फोर्थ यूनिट में आपका कंप्यूटर सेक्शन है, फिफ्थ यूनिट में आपका ये मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का है, वो उस तरीके का सेक्शन है, है ना। सिक्स्थ यूनिट में आपका हेल्थ से रिलेटेड है, फिर रिसर्च से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपके ये टॉपिक्स चलते चले जाएंगे और हम लोग एक सीक्वेंस ऑर्डर में सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। बीच बीच में हम लोगों ने क्या काम रखा है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि इस टॉपिक में हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उस टॉपिक को हम बीच में ही शामिल कर लेते हैं, जैसे कि हमने रिमोट सेंसिंग का टॉपिक शामिल किया था। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेक्शन, जो कि आपका थर्ड यूनिट का सेक्शन है। हर यूनिट 30-30 मार्क्स का आपका सिलेबस कवर करती है, और आपका ये बायोलॉजी सेक्शन भी है जो कि आपका 30 मार्क्स का सिलेबस को कवर करेगा। तो देखिए, साइंस बेसिकली मैंने बताया, या फिर हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये किस तरीके का है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। साइंस तो आपको बहुत सारी जगह पढ़ाई जाती है, जैसे कि IIT, AIIEEE या फिर PMT या फिर नीट एग्ज़ामों के लिए जो आपको साइंस पढ़ाई जाती है, वो काफ़ी डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी जाती है। यदि आप बायोलॉजी को बहुत ही डेप्थ में कवर करना चाहते हैं, तो आपने यदि 12th बायोलॉजी से बात को पढ़ा हो, या फिर आपका सब्जेक्ट ही बायोलॉजी रहा हो, तो आपने उसे बहुत डिटेल में कवर किया होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ाई करेंगे तो एक जनरल वे में चीज़ों को समझने के प्रयास करेंगे। अब जनरल वे में बातों को किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, एक ओवरऑल व्यू किस तरीके से लिया जाता है, और उसे दूसरे अन्य टॉपिक से किस तरीके से रिलेट किया जाता है, इस बात को हम यहाँ पर MPPSC में सीखते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा थर्ड यूनिट है बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम लोग आज शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी है ना, ये बेसिकली ये क्या है, ये साइंस ऑफ लाइफ है। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या है कि लाइफ की स्टडी करना, कि आखिर ये लाइफ कैसे इस दुनिया में आई। यदि हम बात करें इंडियन फिलॉसफी में, तो इंडियन फिलॉसफी में एक दर्शन हुआ है, उसका नाम रहा है सांख्य दर्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है, कपिल मुनि के द्वारा दिया गया दर्शन है। सांख्य दर्शन में एक भाषा चलती है, एक थ्योरी चलती है, उसे कहा जाता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या है, सत्कार्यवाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में बन रही है, वो हर एक चीज़ अपने प्री एग्जिस्टिंग चीज़ का ही मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में नई नहीं होती है, हर एक चीज़ जो दुनिया में पहले से मौजूद है, वही चीज़ अपने आप को हमेशा और हमेशा नए रूप में दिखाती रहती है, यानी कि इवॉल्व करती रहती है। और साइंस में भी ये बात है कि साइंस भी क्या कहती है कि हमारी जो पूरी की पूरी जो लाइफ है, वो किस चीज़ का प्रोसेस है, वो प्रोसेस है एक इवोल्यूशन का। हम लोग पहले एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, और उस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और फिर मल्टी सेलुलर से आज हम पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, और एक ह्यूमन बॉडी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक साइंस की पूरी धारा है, जिस बात को हमें समझना है कि आखिर ये लाइफ क्या है, है ना। तो साइंस के टर्म्स में यदि हम देखें, तो लाइफ को दो पार्ट में बांटा जाता है इस पूरी की पूरी वर्ल्ड में। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में देख रहे थे कि फिजिक्स में इस वर्ल्ड को किस रूप में देखा जा रहा था, तो मैटर के रूप में देखा जा रहा था कि मैटर क्या है, है ना। फिर केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या क्या एटम्स में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस किस तरीके से आते हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग तरीके से हम सेम चीज़ को डील कर रहे थे।
ऐसे ही यहाँ पर इस बायोलॉजी सेक्शन में हम क्या समझेंगे, बायोलॉजी सेक्शन में बेसिकली हम समझ रहे होंगे कि लाइफ के बारे में, कि लाइफ क्या चीज़ है। आखिर इस दुनिया में दो तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं, एक ऐसी चीज़ें जिन्हें कि हम लिविंग कहते हैं और दूसरी ऐसी चीज़ें जिसे कि हम नॉन लिविंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्कर यूज़ करते हैं, हम इसे नॉन लिविंग कहते हैं। हम टेबल यूज़ करते हैं, हम इसे नॉन लिविंग कहते हैं। जो हमारे पास स्टोन्स रॉक्स अवेलेबल हैं, हम इन्हें नॉन लिविंग कहते हैं। वहीं जब हम पहले हमें क्या मत जाना जाता था कि ये जो प्लांट्स हैं वो भी एक तरीके से नॉन लिविंग हैं, लेकिन बाद में जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये उन्होंने डिस्कवर किया, और अपने इंडियन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस, उन्होंने क्या खोजा, उन्होंने खोजा कि प्लांट्स में भी एक में भी क्या होता है, लाइफ पाई जाती है। यदि हम प्लांट्स को बहुत ही गौर से देखें तो उसमें सेंसिटिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी अपने घर में एक पॉट लगाएं, एक गमला सा लगाएं, तो उस गमले में जो जो भी आप फ्लावर पॉट लगाएंगे तो जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही होगी, सनलाइट आ रही होगी, वो फ्लावर उसी तरफ की ओर अपना, या फिर जो प्लांट की ग्रोथ है वो उसी डायरेक्शन में होने लग जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है कि प्लांट जो था वो सनलाइट को लेकर के एक सेंसिटिव था, है ना, कि जिस तरफ से कि सनलाइट आएगी मैं उसी तरीके से ग्रो करूँगा। तो ये उसके अंदर एक बात थी, कोई ना कोई चीज़ थी जो कि उसे जनरेट कर रही थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हम कहाँ सीख रहे थे, ये सारी की सारी बातें हम सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्लांट्स में लाइफ को ढूंढा गया, एनिमल लिविंग है, और साथ ही साथ हम लोगों भी क्या है, एक तरीके से एनिमल का ही इवोल्यूशन वाला फॉर्म है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग को भी लिविंग माना जाता है। तो इस तरीके से यदि हम लाइफ को समझें कि लाइफ बेसिकली है क्या, तो लाइफ को अगर समझना है तो लाइफ को समझने के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स निर्धारित किए, पैरामीटर्स बताए गए कि ये कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पैरामीटर्स के हिसाब से हम मानते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। तो हम पहली बात देख लेते हैं कि ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो ऐसे पैरामीटर्स हैं, पहला ग्रोथ, सेकेंड मेटाबॉलिज्म, थर्ड रिप्रोडक्शन, और फोर्थ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलर, ठीक है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स माने गए, कॉमन फैक्टर्स, जिनको माना गया कि अगर कोई भी चीज़ लिविंग है, कोई भी चीज़ लिविंग है, तो हम उसे क्या मानेंगे कि अगर वो ये पैरामीटर्स शो कर रही है, ये पैरामीटर्स दिखा रही है, तो हम उसे मान लेंगे कि वो लिविंग है, और अगर ये पैरामीटर्स नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे कि वो चीज़ नॉन लिविंग है। लेकिन कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि हम किसे लिविंग माने या फिर किसे नॉन लिविंग माने, इतनी सारी रिसर्च के बावजूद, है ना, क्यों, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ग्रोथ को एक पैरामीटर माना कि कोई भी चीज़ यदि अपने आप में ग्रोथ शो कर रही है तो हम उसे क्या मान लेंगे कि हम उसे मान लेंगे कि वो लिविंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट क्या था, बहुत छोटा था, धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ा बन गया, एक ट्री बन गया, तो उसने क्या किया, अपने आप में एक मास गैदर कर लिया, है ना, वो अपने आप में एक ग्रोथ को शो कर रहा है कि पहले उसका वजन इतना कम था, वो इतना छोटा सा था, और फिर बाद में इतना बड़ा विशालकाय हो गया और उसका मास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसने क्या शो किया, उसने शो किया ये ग्रोथ को। तो हमने माना कि ग्रोथ भी क्या है, एक तरीके का पैरामीटर है किसी भी चीज़ को लिविंग साबित करने के लिए। हम लोग भी क्या थे, पहले एक सेल थे, मल्टी सेल्यूलर हुए, पहले जब हम पैदा हुए तो मुश्किल से 1 किलो भी वजन नहीं था, है ना, फिर धीरे धीरे कर करके ये कितने बड़े हो गए कि 60-70 केजी वजन हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि
जो भी हमारी बॉडी थी, बॉडी ने क्या शो किया, बॉडी ने शो किया ग्रोथ। तो ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जिसे कि हम मान लेंगे कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन इसके बहुत सारे काउंटर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैंड ड्यून्स को देखें, रेत के टीलों को, तो वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे करके उनमें ग्रोथ आता है और वो बहुत बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। आप इसी तरीके से देखें तो हमारे जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में भी ग्रोथ हो दिखाई देती है। हमारे जो न्यू फोल्ड माउंटेन, जिन्हें कि हम हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं, हिमालयाज़ भी क्या कर रहे हैं, हमेशा और हमेशा ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ रहे हैं, है ना, धीरे धीरे करके एक्वायर कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से ग्रोथ को ही किसी भी लिविंग का फैक्टर मान लें, तब तो वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ को हम सिंगल ग्रोथ को ही कैसे हम लिविंग का एक बेसिस मान सकते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठता है। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म के रूप में। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि केमिकल चेंजेस, ऐसे केमिकल चेंजेस किसी भी बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होना जिस कारण से उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो और वो कुछ ना कुछ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा होता है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है और वो एनर्जी क्या कर रहा होता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर रहा होता है। अगर हम अपनी लाइफ देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को या फिर दूसरे जो भी अपना फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन फूड प्रोडक्ट्स को ले रहे होते हैं, तो उन फूड प्रोडक्ट्स से हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ एनर्जी और कुछ प्रोटीन्स वगैरह ले रहे होते हैं, विटामिन्स ले रहे होते हैं, जिस कारण से हमारे अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म भी क्या है, एक तरीके की प्रॉपर्टी है जो कि कौन शो करता है, ये भी प्रॉपर्टी शो करते हैं जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं, वो शो करते हैं। तो अगर हम केमिकल रिएक्शंस को ही, इंटरनल केमिकल रिएक्शंस को ही बेसिस मान लें कि यही लिविंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, कि अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म हमें दिख रही होगी तो हम मान लेंगे कि वो चीज़ लिविंग है। तो हम देखें तो हम जो बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और वो भी एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। इस तरीके की अगर हम मशीन्स देख लें तो मशीन्स भी कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो क्या हम उन्हें भी लिविंग मान सकते हैं क्या? तो मेटाबॉलिज्म को भी हम लोगों ने समझा और मेटाबॉलिज्म जो कि माना गया था कि ये लिविंग का बेसिस है, ये भी एक तरीके से ठीक है, इसे डिफाइन करता है लेकिन पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता। हम अगला समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम मान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन ये क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर लिविंग होगी तो उसमें रिप्रोडक्शन शो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन किस तरीके का, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ हिज ओन टाइप, है ना। यानी कि जैसे कि आप हैं तो आप किस तरीके से हैं, जैसे आपके मम्मी पापा थे उसी तरीके से आपका जनरेशन हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके का रिप्रोडक्शन। आपके मम्मी पापा किस तरीके से, आपके जो दादा दादी थे, नाना नानी थे, उनकी तरीके से आपके मम्मी पापा का रिप्रोडक्शन हुआ है। इस तरीके से हम एनिमल्स में देख लें, प्लांट्स में देख लें, तो एक प्लांट से जो भी सीड आता है उसी तरीके का प्लांट दोबारा जनरेट हो जाता है। तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फिशेस भी क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से लाइफ का बेसिस हम रिप्रोडक्शन को ही मान सकते हैं क्या? तो आप देखेंगे कि कुछ जो बॉडीज हैं या फिर कुछ पीपल हैं, मान लीजिए कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे हम लोग देखते हैं कपल्स होते हैं जिनको बेबीज नहीं होते, तो क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? या फिर हम देखें तो कुछ ऐसे भी थर्ड जेंडर हमारे ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं और इसके अलावा कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं जैसे कि म्यूल्स वगैरह, तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो क्या हम उन्हें भी नॉन लिविंग मान लेंगे? तो इस तरीके के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं इस रिप्रोडक्शन को लेकर के भी, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का क्या मतलब है कि यदि हम किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ को अगर हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करें या फिर उसकी तरफ कोई ना कोई एक कैरेक्टर शो करें, तो
उस लिविंग बॉडी से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई भी पक्षी है, अगर आप थोड़ी सी आवाज़ कर दें तो वो उड़ जाएगा, कोई भी जानवर है उसकी तरफ कर दें तो वो भाग जाएगा, या फिर हम प्लांट को ही हम लोगों ने देखा कि उसमें से क्या जिस तरफ से सनलाइट आ रही हो रही थी वो सनलाइट को क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स शो कर रहा था सनलाइट की तरफ। या फिर हम देखें तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एक प्लांट होता है कौन सा, छुई मुई का पौधा जैसे कहा जाता है ना, तो वो भी क्या होता है एक तरीके का, जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो रिस्पॉन्स को भी हम एक तरीके से लिविंग का एक पैरामीटर मान सकते हैं कि कोई भी चीज़ लाइफ है या फिर लिविंग है तो वो क्या कर रही होगी, एक तरीके का रिस्पॉन्स शो कर रही होगी। तो आप बताइए जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे ये क्या हैं, एक तरीके से पैरामीटर्स हैं। तो क्या हम लिविंग इन्हें मान लेंगे या फिर किसी भी चीज़ को नॉन लिविंग माने? तो इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए और इस तरीके के पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते रहते हैं, और लिविंग और नॉन लिविंग के क्राइटेरिया को थोड़ा सा और स्पष्ट किया जाता है और भी तरीके से समझा जाता है, किसी कई अन्य तरीक़ों से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये क्या है, हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से ये लाइफ है और लाइफ को हम किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, लाइफ को समझने का प्रयास बहुत समय से किया जाता रहा है, हमेशा और हमेशा फिलोसोफर साइंटिस्ट हमेशा और हमेशा इस लाइफ को समझने के लिए, इस क्वेस्ट को समझने के लिए कि हमारी लाइफ किस तरीके से होती है, किस तरीके से परफॉर्म करती है, इस बात को समझने के लिए वो हमेशा और हमेशा से प्रयास करते रहें। यही चीज़ हमारे सिलेबस में भी है। अब जब हमें इसे समझना है तो पहली बात हम जब समझेंगे तो हम समझते हैं एक इसका ब्रीफ आइडिया करके, हम लोग समझेंगे तो हम लोग समझते हैं कि ये एक टोटल का टोटल पूरा कॉन्सेप्ट क्या है एक पूरे एक होलसम बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोचें कि एक चित्रकार जब भी कोई एक चित्र बना रहा होता है तो पहले वो आउटर बाउंड्रीज बनाता है, बाद में धीरे धीरे वो उसके फाइनल पार्ट्स बनाता है, और फिर उसके बाद उसमें कलर्स भरना शुरू करता है। तो हम लोग अपनी स्टडी को भी कुछ इस तरीके से ही करेंगे। पहले के पहले हम लोग एक आउटर ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, हम इस लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ कैसे आई, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, किस तरीके से ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है एक आउटर ऑब्जेक्टिव की तरह। फिर हम इसके बाद हम लोग इसकी थोड़ा डिटेल्स में भी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका जनरल साइंस का टॉपिक है, ये कोई बायोलॉजी का सेक्शन नहीं है, ये जनरल साइंस का टॉपिक है। अगर आप लोगों को एज ए ऑप्शनल पढ़ना है तो 10th, 11th, 12th में जो बायोलॉजी पढ़ाई जाती है वो काफ़ी डिटेल में होती है। इसके अलावा फिर आप लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट भी लेते हैं अपने ग्रेजुएशन कोर्स में और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ हो सकती है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बल्कि एक आउटर स्ट्रक्चर एक जनरल वे में हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, इस बात को हमें समझना है। तो अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करें बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजी को ही कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो इसके ही कई पार्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या स्टडी किया जाता है? टैक्सोनॉमी में बेसिकली स्टडी किया जाता है कि कैसे हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइंटिस्ट हुए हैं लाइनस करके, तो इन्होंने क्लासिफाई किया था शुरुआत में ही टैक्सोनॉमी में, इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट और एनिमल के रूप में, जिसे ये प्लांटे या फिर एनिमलिया है ना, इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया कि कोई भी चीज़ जो दुनिया में लाइफ अवेलेबल है वो किस रूप में है, प्लांट और एनिमलिया के रूप में। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि ये पूरे तरीके से फॉलोअप नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके बीच में भी पाई जाती हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों तरीके के कैरेक्टर शो करती हैं या फिर दोनों से भी कुछ अलग कैरेक्टर शो करती हैं, इस तरीके के भी क्लासिफिकेशंस पाए जाते हैं। तो ये पूरी तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी जिसमें हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, जिसमें हम चीज़ों को बांटने की बात करते हैं कि किस तरीके से बातें हैं, तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं बायोलॉजी की ही ब्रांच टैक्सोनॉमी करके। ठीक है, इसके अलावा हम देखें फिजियोलॉजी। ठीक है,
जिसमें कि हम किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर के रूप में बात करेंगे कि ह्यूमन स्ट्रक्चर किस तरीके का है, एनिमल का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, या फिर और भी दूसरी चीज़ें है ना। इसके अलावा जेनेटिक्स की बातें, जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स की हम लोग स्टडी कर रहे होंगे, जिसमें कि हम देख रहे होंगे कि जीन में कैसे कैसे हेरिडिटरी करेक्टर्स हैं जो कि एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ट्रांसफ़र होते हैं, और किस तरीके से वो चीज़ एक ही तरीके के करेक्टर शो करती रहती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है ना। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है ना, कि ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम बायो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका हम किस तरीके से कॉमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें और भी ज़्यादा तरीके से ग्रो अप करा सकते हैं, या फिर हम उसे किस तरीके से अपने बेनिफिशियल के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की बात कर रहे होंगे। एनाटॉमी है, एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जानने की कोशिश करते हैं, कैसे हमारे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, किस तरीके का फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कैसे आपस में ये अलग अलग सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों की बातें कर रहे होंगे तो इस तरीके का कुछ क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बायोलॉजी की बेसिकली ये क्या है, कुछ ब्रांचेस के रूप में इनको स्टडी किया जाता है, और जहाँ पर इनका इस बायोलॉजी को ही पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। हम हर एक जगह पढ़ के आ रहे हैं, इन सारे की सारी चीज़ों में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग सभी चीज़ों में पढ़ बायोलॉजी ही रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी को ही पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही बड़े वास्ट है ना। जैसे कि अगर आप मतलब ह्यूमंस की स्टडी करना चाहें, एनिमल्स की स्टडी करना चाहें, या फिर ह्यूमंस में ही आप आई की स्टडी कर रहे हैं, ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं, लंग्स की स्टडी कर रहे हैं, हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है ना, ये बायोलॉजी सब सारी चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। तो एक इस ब्रॉड सिलेबस में, इस ब्रॉड चीज़ों में किन किन बातों को हमें ध्यान देना है, किन किन बातों को हमें समझना है और किस तरीके से समझना है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में जब क्लासिफिकेशन किया गया तो इसमें सबसे पहली बात आई कि हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे इस दुनिया में लाइफ आई, क्या लाइफ इस दुनिया में हमेशा से थी है ना, या फिर लाइफ भी क्या क्या हुई है, इवॉल्व हुई है कहीं ना कहीं से। तो यदि हम देखें तो पाएंगे कि पहले ये जो अर्थ थी वो पहले कैसी थी, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स हैं वहाँ पर प्लैनेट्स में कुछ भी नहीं होता है ना, ना ही कोई लाइफ है, ना ही कुछ वहाँ पर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, ना वाटर है, ना ही कोई भी चीज़ है। तो पहले क्या रहा होगा, पहले अर्थ भी कुछ इसी तरीके से रही होगी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद फिर इस अर्थ में वाटर आया, वाटर आने के बाद इसमें धीरे धीरे करके लाइफ आई, तो वाटर से किस तरीके से लाइफ जनरेट हुई इसकी भी एक पूरी की पूरी स्टडी है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं मिलर करके, MILLER, मिलर करके एक साइंटिस्ट हुए हैं। तो मिलर ने क्या कहा, मिलर ने कहा कि ये जो लाइफ का एग्जिस्टेंस आया है, ये एक आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस, उन्होंने आइडिया दिया कीमोसिंथेसिस का, कीमोसिंथेसिस। ये कीमोसिंथेसिस क्या होता है ना, हम लोग तो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, लेकिन इन्होंने मिलर ने आइडिया दिया कि कीमोसिंथेसिस के थ्रू ही पहली बार लाइफ आई। ये कैसे हम लोग जान सकते हैं, कीमोसिंथेसिस बेसिकली ये जो फंक्शन है ये फंगस में भी बेसिकली परफॉर्म होता है। फंगस क्या काम करता है, कोई भी डेड ऑर्गेनिज़म्स हैं, डेड ऑर्गेनिज़म्स में जो आप मशरूम्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उनके केमिकल्स को ही यूटिलाइज़ करके ये अपनी ग्रोथ को बना लेते हैं, ठीक है। तो मिलर ने बताया, और बाद में इसे प्रूफ भी किया गया है, कि प्रूफ किस तरीके से किया गया है कि समुद्र में, सी में, अगर हम बहुत ही उसके डीप सीज में जाएं, एकदम गहरे समुद्र में जाएं, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब आप कहेंगे कि वहाँ पर तो सनलाइट ही नहीं जाती है, अगर सनलाइट ही तो सारी लाइफ का बेसिस है। अगर हम देखें
तो लाइफ का बेसिस क्या है, क्या माना जाता है? लाइफ का बेसिस सनलाइट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट क्या काम करती है, सनलाइट को कैप्चर करते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, है ना, ऑटोट्रॉप्स, और फिर उसको उन ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो इस तरीके से ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपनी अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एल्गी वगैरह, है ना, प्लैंकटॉन्स वगैरह, ये सारी सारे लोग क्या है, अपना लाइफ खुद बना सकते हैं, अपने अपना जो फूड है वो खुद बना सकते हैं। तो जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। और जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि जो ऑटोट्रॉप्स ने फूड बनाया उन्हीं फूड्स को ये हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं, गैदर करते हैं। तो लाइफ का बेसिस क्या हुआ, वो सनलाइट हुई, जो कि सनलाइट कैप्चर की गई किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑटोट्रॉप्स ने कैप्चर करी, और उन ऑटोट्रॉप्स से ही एनर्जी लेकर के हेटरोट्रॉप्स ने भी एनर्जी को प्राप्त किया। तो लाइफ का बेसोल पर्पज़ क्या हो सकता है, वो हो सकता है सनलाइट। लेकिन यहाँ पर मिलर क्या बता रहे हैं कि सनलाइट के एब्सेंस में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पर कीमोसिंथेसिस में सनलाइट का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जब सन बेड में, यानी कि सी बेड जो होता है समुद्र के गहरे समुद्र में, वहाँ तो लाइट नहीं पहुँच रही होती है, तो वहाँ पर पहली बार जो लाइफ एग्जिस्ट करी, सबसे पहली बार जो लाइफ आई वो किस रूप में आई, वो इस कीमोसिंथेसिस के रूप में ही आई। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, वो जो केमिकल एनर्जी होती है सी बेड में, है ना, केमिकल एनर्जी, वो केमिकल्स ही आपस में कुछ ना कुछ प्रोसेस करके कुछ ना कुछ इस तरीके से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक तरीके से लाइफ का निर्माण करते हैं। जो फर्स्ट लाइफ आती है वो इस कीमोसिंथेसिस से ही आती है। कीमोसिंथेसिस में ही जो ऑर्गेनिज़म्स बने, वो ऑर्गेनिज़म्स क्या हुए, धीरे धीरे करके फिर आने शुरू हो गए सनलाइट के इन्फ्लुएंस में, तो फिर सनलाइट में भी वो एग्जिस्ट करने लग गए। सनलाइट से फिर धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन हुआ और वो ऑटोट्रॉप्स बन गए। ऑटोट्रॉप्स से फिर इवोल्यूशन हुआ तो वो धीरे धीरे करके हेटरोट्रॉप्स बन गए। इस तरीके का ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस है। और बाद में इनको जो क्लासिफाई किया जाता है, वो किस तरीके से एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है, उस क्लासिफिकेशन को हमें समझना है और देखना है। तो ये छोटी सी बात थी कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ है, उस चीज़ को हम लोगों ने समझा। बाद में एक साइंटिस्ट हुए हैं आर एच विटेकर करके, इन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज़म्स को फाइव टाइप्स में। ये फाइव टाइप्स कौन कौन से हैं, तो पहला इन्होंने कहा ये है मोनेरा, सेकंड कहा इन्होंने ये है प्रोटिस्टा, थर्ड कहा इन्होंने ये है फंजाय, फोर्थ कहा इन्होंने प्लांटे या फिर प्लांट, और फिफ्थ कहा इन्होंने एनिमेलिया या फिर एनिमल। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइव क्लासिफिकेशन उन्होंने आर एच विटेकर ने बताए। ठीक है, इनमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इनकी डेप्थ में भी हैं। मोनेरा को ही पढ़ने जाएंगे तो मोनेरा ही बहुत बड़ा टॉपिक है, है ना, किस तरीके से लाइफ का इवोल्यूशन होता है। मोनेरा ही कई प्रकार के होते हैं, ये बेसिकली बैक्टीरियाज का टाइप है। ठीक है, तो बैक्टीरिया कुछ फ्लैजेला के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कुछ बिना फ्लैजेला के होते हैं। ठीक है, कुछ में जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा इवॉल्व होता है, कुछ में कम इवॉल्व होता है। साइनो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बहुत ही टफ क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स में पाए जाने वाले, या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पर अर्थक्वेक वगैरह हो, या फिर बहुत ज़्यादा हीट जहाँ पर हो वहाँ पर पाए जाने वाले, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाने वाले। तो इस तरीके के बहुत सारे बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरियाज के बारे में तो हम जानते ही हैं, जैसे कि जो राइजोबियम के बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे जो माउथ है, माउथ में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं,
बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि सेल्यूलोज को को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि एनिमल्स की गट में पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ढेर सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ढेर सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग इसके जनरल वे में इन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई क्या है, प्लांटे क्या है, एनिमल क्या है, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे किस चीज़ के बारे में, साइटोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि एक सेल जो चाहे वो मोनेरा कहो, चाहे वो प्रोटिस्टा कहो, या फंजाई कहो, प्लांटे कहो, या एनिमल कहो, किसी का भी एक सेल हो, वो सेल अपने आप में किस तरीके के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखता है, डिफरेंट क्वालिटीज रखता है, डिफरेंट फंक्शंस रखता है, किस तरीके से वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस को, इस बात को हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये फंक्शंस होते हैं और ये अलग अलग तरीके से यही जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यही धीरे धीरे इवॉल्व करके ये एनिमल तक पहुंचा है, एनिमल सेल तक पहुंचा है, और एनिमल सेल में ये किस तरीके से ये चेंजेस आए हैं, प्लांट सेल किस तरीके से और एनिमल सेल किस तरीके से आपस में डिफरेंस है इनमें, और इस पूरे के पूरे पार्ट को हम पढ़ेंगे और समझेंगे एक आउटर बाउंड्री के रूप में। फिर इसमें जो अगर डिटेल आपको चाहिए होगा तो डिटेल भी में भी हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले एक पूरा का पूरा एक आइडिया लग जाए, दिमाग में एक बार बैठ जाए कि हाँ ठीक है कि बातें किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स हैं और किस तरीके से ये आपस में इवॉल्व कर रहे हैं, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और बेसिकली जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट कहाँ चल रहा होगा, ये पूरा का पूरा साइटोलॉजी का पार्ट चल रहा होगा, बायोलॉजी में ही साइटोलॉजी यानी कि सेल्यूलर पार्ट चल रहा होगा, है ना। तो ये रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक इन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से देखा कि हमारी जो बॉडी हैं, हमारी जो भी बॉडीज हैं, चाहे वो बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फिर कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म बना है कुछ छोटी छोटी सेल्स से, कुछ छोटी छोटी सेल्स से। ये सेल्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं और आपस में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखती हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कोई भी ओनियन ले लें या फिर कोई भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट ले लें, जैसे लीफ का एक छोटा सा पार्ट ले लें, या फिर हम अपने ही बॉडी का ही कोई एक सेल ले लें, तो बॉडी का ही कोई एक छोटा सा पार्ट ले लें और फिर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें, तो माइक्रोस्कोप से देखने में पता चलेगा कि ये बहुत ही छोटे छोटे कुछ एक इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ के रूप में ये बटा हुआ है। और ये जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा कि ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये सेल्स हैं। सेल्स का आइडिया उनको कैसे आया, सेल्स का आइडिया बेसिकली सेल प्रिजनर्स के लिए कहा जाता है, प्रिजनर्स भी कहाँ रहते हैं, एक सेल में रहते हैं, सेल के अंदर रहते हैं, तो प्रिजनर्स जहाँ पर रहते हैं उसे एक सेल कहा जाता है, और उस एक सेल के अंदर उनके लाइफ के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारी की सारी चीज़ें रहती हैं, बस उसे उस सेल के बाहर नहीं निकलने दिया जाता, यानी कि वो सब कुछ करें, सब कैसे जैसे भी रहना चाहें वो रहें, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए, बाहर घूमने के लिए वो आज़ाद नहीं है। तो इस तरीके से एक सेल जो है, सेल के अंदर भी वो सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारी पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जैसे कि हम लोग क्या गलत काम करते हैं, हम लोग फूड लेते हैं, रिस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं जो भी मटेरियल्स हैं, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, ये सारे के सारे फंक्शंस एक सेल में भी परफॉर्म होते हैं। यानी कि एक सेल वही फंक्शंस परफॉर्म कर रही है जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये सेल्स क्या हैं, एक तरीके से एक ही जगह पे हैं, एक ही पार्ट में हैं, और वहीं पर वो क्या है, क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी बात थी, इसे ये रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये ठीक है, ये कुछ और नहीं, ये बल्कि एक प्रकार के सेल्स हैं, ठीक है। तो ये सेल्स कहाँ अवेलेबल हैं, जितनी भी लिविंग बॉडीज़ हैं, जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, ये सेल्स हर एक जगह पे मौजूद हैं, हर एक जगह पे, चाहे वो कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो से लेकर के बहुत ही बड़ा और कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो ये सेल्स हर एक जगह पे मौजूद हैं, ठीक है।
रॉबर्ट कुक ने ये कब बताया था, तो 1665 में बताया था, ये आप इसका ईयर याद रख लें, 1665 में बताया था। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो माइकोप्लाज्मा गैलेपीसियम, ऐसे करके कुछ नाम है माइकोप्लाज्मा गैलेपीसियम। तो ये क्या है, ये सबसे छोटा सेल माना जाता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। और सबसे बड़ा सेल जो ह्यूमन बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल वो कौन सा माना जाता है, तो न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, यह है ना, जो कि हमारे ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, तो हमारे वहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक प्रकार की सिग्नलिंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि हमें गर्म लगा तो हमने कहीं पर हाथ लगाया, और गर्म लगा तो हम लोग हाथ हटा लेते हैं, तो वो क्या है, एक बेसिकली एक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपको सेंस करके बताते हैं कि देखिए ये कोई भी चीज़ हॉट है, कोल्ड है, या फिर कोई भी चीज़ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये सारे के दो, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो न्यूरॉन्स का होता है, ठीक है। तो ये सेल क्या है, अपने आप में हमारी बॉडी में ही कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स ही आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, सेल्स आपस में मिल करके बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जैसे कि हार्ट के आपके टिश्यूज़ अलग होंगे, ब्रेन के आपके टिश्यूज़ अलग होंगे, लीवर के आपके टिश्यूज़ अलग होंगे, है ना। बने सभी सेल्स से ही हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग प्रकार के सेल्स हो जाते हैं, और इस तरीके से ये अलग प्रकार का टिश्यू फॉर्म करते हैं, और अलग प्रकार के टिश्यू परफॉर्म करने से, या फिर अलग प्रकार के टिश्यू बनाने से, इनका जो फंक्शंस होता है ना, एज ए ऑर्गन के रूप में, तो ये फंक्शंस भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ये टिश्यू आपस में मिल करके ये क्या बनाते हैं, ये एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये ऑर्गन्स ही आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म या बॉडी बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म या बॉडी। जैसे कि अगर हम अपने आप को कहें तो हम क्या हैं, एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, और इसमें हमारे पूरे के पूरे बॉडी में क्या पाए जाते हैं, कई प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और ये ऑर्गन्स किससे मिल करके बने हुए होते हैं, तो ये कुछ टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं, और ये टिश्यूज़ किस चीज़ से मिल करके बने हुए होते हैं, तो ये सेल्स से बने हुए होते हैं। तो देखिए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, सबसे बड़ा सेल कौन सा कहा जाता है, तो सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का कहा जाता है, कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मियम, और सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल, तो वो क्या है, ऑस्ट्रिच का एग, है ना। एग भी एक प्रकार का क्या है, कोई सा भी एग है, चाहे वो हैन का एग हो या फिर कोई सा भी एग है, तो एग भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सेल है वो, ठीक है, उसके अंदर भी सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि सेल्स किस तरीके से एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव किए, और किस तरीके से उसके अंदर इवोल्यूशन आया, किस तरीके से उसके अंदर वो डिफरेंसेस आए। तो यदि हम देखें तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ क्या भरा हुआ होता था, एक प्लाज्मा सा भरा हुआ होता था, और एक जेनेटिक मटेरियल सा, है ना, एक जेनेटिक मटेरियल सा वहाँ पर बना, है ना। शुरुआत में जैसे हमने कहा कीमोसिंथेसिस में कुछ भी नहीं था, जब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या था, कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और सिर्फ प्लाज्मा मटेरियल था, ठीक है। एक सेल मेम्ब्रेन होती थी, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जिससे एक सेल पूरा का पूरा घिरा हुआ रहता है, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, एक चिपचिपा सा पदार्थ, साइटोप्लाज्म जिसे कहा जाता था, है ना। जैसे कि अगर हम अंडे की बात करें, तो अंडे का जो बाहरी परत होगी वो क्या कहलाएगी, वो इसकी सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, वो उसे कवर करती है, उसके अंदर कुछ भी चीज़ जाने नहीं पाए या फिर कुछ भी चीज़ आने नहीं पाए। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से एक पार्शियल होती है, है ना, किसी भी चीज़ को सेलेक्टिव चीज़ों को अलाउ करती है और चीज़ों को बाहर भी जाने देती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और फिर इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल से पाया जाता था, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से जब
इन्हें इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या है, पुराने सेल्स, है ना। जब शुरुआत में लाइफ परफॉर्म होनी शुरू हुई तो जो सेल बनना शुरू हुए वो किस प्रकार के सेल बनना शुरू हुए, कुछ इस तरीके से। ये एकदम पुराने सेल हैं, है ना, जिनमें कि कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंसान है तो वो अकेला है, तो वो सारे के सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहा होगा, खुद ही परफॉर्म कर रहा होगा। वो खाना भी खुद ही बना रहा होगा, घर की सफाई भी खुद ही कर रहा होगा, और सारे काम, घूमना फिरना जो भी है, है ना, कोई भी उसका ऑफिस का वर्क है, घर का वर्क है, सारे फंक्शंस वो कौन परफॉर्म कर रहा होगा, वो खुद से ही परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो शुरुआत में जो सेल बना, तो सेल भी कुछ इसी प्रकार का था कि वो सारे के सारे फंक्शंस खुद ही परफॉर्म कर रहा था। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल एक एडवांस के रूप में आ गया था। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कि एक ही प्रकार का जो सेल है वो अपने ही प्रकार के एक दूसरे सेल को भी क्या कर सकता है, एक जनरेट कर सकता है, ठीक है, उसी जेनेटिक मटेरियल और माया और प्लाज्मा को लेकर के, ठीक है, उस प्लाज्मा को लेकर के, यानी कि उसके अंदर एक रिप्रोडक्शन की वैल्यू है। लेकिन ये इसके साथ कंपनी नहीं कर सकता, इसके साथ में जुड़ नहीं सकता, और इसके साथ में एक ऑर्गेनिज्म के रूप में इसे बना नहीं सकता, इसके साथ में रह नहीं सकता। जब हम आगे देखेंगे कि दूसरे सेल्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो इस बात को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स में इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू हो गया। जैसे कि सेल था तो सेल में एक सेल मेम्ब्रेन तो थी ही, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें कुछ न कुछ ये जो जेनेटिक मटेरियल था ये बेसिकली कंसंट्रेटेड हो गया इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल हो गया। और न्यूक्लियस के अलावा इसने क्या किया कि इसने इसके अंदर वही साइटोप्लाज्म मौजूद है, ठीक है, वही साइटोप्लाज्म मौजूद है। साथ ही साथ इसने क्या कर लिया, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ ऑर्गेनल्स भी डेवलप कर लिए। कुछ ना कुछ ऑर्गेनल्स किस तरीके के, जैसे कि एक ऑर्गेनल है, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एक तरीके का पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि जब भी इसे एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी के लिए वो क्या करेगा, एक अलग सा फंक्शन डेवलप कर लेगा, ठीक है। जब भी कोई सेल को एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी वो कहाँ से जनरेट कराएगा, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया से वो एनर्जी को लेगा, ठीक है। अगर उसे प्रोटीन बनानी है तो प्रोटीन बनाने के लिए उसने क्या किया, अपने सेल के पास में ही कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं ये, और इन्हें कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, है ना, सॉफ्ट और रफ, है ना, एक एक्सटर्नल होता है, एक आउटर इंटरनल होता है, एक आउटर होता है, ठीक है। इंटरनल में क्या होते हैं, ढेर सारे राइजोबियम्स होते हैं। राइजोबियम क्या है, एक बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम जो होता है वो राइजोबियम का ही होता है, ठीक है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा, तो प्रोटीन बनाने का काम ये कुछ राइजोबियम हैं, वो प्रोटीन बनाने का काम करेंगे, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, एक तरीके से एक पूरी की पूरी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि इनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्होंने क्या किया, लाइसोसोम्स बना लिए, ठीक है। तो ये लाइसोसोम्स क्या क्या काम करेंगे, ये लाइसोसोम्स बेसिकली कुछ नहीं, ये क्या कर रहे होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सेल के अंदर आ जाए जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह या फिर
कोई भी दूसरी ऐसी चीज़ जो कि सेल के लिए नुकसानदायक है, तो ये लाइसोसोम क्या करेंगे, उसे डिसॉल्व कर लेंगे, है ना। ये बेसिकली एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे और ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली सेल धीरे धीरे अपने आप को एडवांस करता चला जा रहा है। अब उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और एक तरीके का सिस्टम बना लिया। जैसे कि आप कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाएं तो वहाँ पर एक हेड बॉडी होती है, फिर कोई उसके उसने कुछ अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने, जैसे कि ऑफिस कई सारे बना लिए कि ये डिपार्टमेंट इस काम को करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट ये काम करेगा, तीसरा डिपार्टमेंट ये काम करेगा, कुछ पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह रख लिए जो कि उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि लाइसेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से सेल क्या हो रहा है, सेल धीरे धीरे अपने आप को एडवांस करता चला जा रहा है ना। इसमें गोल्जी बॉडीज होती हैं, ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज होती हैं, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये क्या काम करती हैं, ये बेसिकली जब हम देखेंगे कि जब सेल बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, सेल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, तो ये क्या काम करेगा कि खुद तो प्रोडक्शन कर ही रहा है, साथ ही साथ ये दूसरे सेल्स को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले वो सेल क्या कर रहा था, शेयरिंग नहीं कर रहा था, है ना, जो भी काम करना है उसे खुद से ही काम करना है, खुद ही खाना पकाना, खुद ही सब काम करना, और वो शेयरिंग नहीं कर रहा था। अब इसके पास अगर एक्स्ट्रा मटेरियल ये बना पाएगा तो ये अपना तो लाइफ बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ ये दूसरे सेल्स के साथ जो अटैच है उन वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये क्या काम करेगा कि उसके उस प्रोटीन में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी बनी हुई होती है, या फिर एनिमल बॉडी जो है वो बनी हुई होती है पूरी तरीके से किससे, प्रोटीन से बनी हुई होती है, और जो प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी किससे बनी हुई होती है, तो वो पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ये क्या काम करता है गोल्जी बॉडी, ये जो राइजोबियम ने प्रोटीन बनाया, इन प्रोटीन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता है, जैसे कि कुछ ना कुछ लिपिड्स वगैरह ऐड कर दिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी, जैसे कि हमारे हमारी पूरी की पूरी बॉडी, चाहे वो सेल हों, चाहे वो हमारे हमारे जो लीवर ऑर्गन्स हों, चाहे वो बोन्स हों, चाहे हेयर्स हों, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई होती हैं, ये प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। लेकिन ये प्रोटीन कैसा होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है भाई। हेयर का जो प्रोटीन होगा वो हमारे स्किन के प्रोटीन से अलग होगा, है ना, जो हमारी बॉडी का प्रोटीन होगा वो हमारे दूसरे प्रोटीन से अलग होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन जो इसे पता चलते हैं कि हाँ ठीक है कि किसी और जगह पे किसी अलग प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो प्रोटीन का डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को जनरेट करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम हो जाता है, ये काम हो जाता है गोल्जी बॉडीज़ का, ठीक है। न्यूक्लियस में भी, जैसे कि ये सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्रकार का प्लाज्मा होता है जिसे कि हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, है ना, जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, क्रोमोसोम्स और डीएनए मटेरियल, ठीक है, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं क्या, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम या फिर हम क्या कहते हैं किस क्या डीएनए मटेरियल, ठीक है। यानी कि ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि कोई भी सेल किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहा है, वो कौन ले रहा है, वो इस ये न्यूक्लियस ही ले रहा है। और जो एक सेल से दूसरे सेल में जो ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज़, या फिर हम जैसे कहते हैं कि जो फंक्शंस हमारे जो पेरेंट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे थे, वैसे ही हमारी बॉडी भी फंक्शन कर रही है, उनकी जिस प्रकार की आईज़ थी उसी प्रकार की आईज़ हमारी भी हैं, उनकी जिस प्रकार की नोज़ थी उसी प्रकार की नोज़ हमारी भी हैं, या फिर हमारी जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो अलग
एक खास प्रकार से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है? तो ये इन्फॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स में ही स्टोर होती है, और ये एक हेलिकल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कि हम डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो ये डीएनए प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में मोनेरा में क्या था, मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था और प्लाज्मा मटेरियल प्रेजेंट था, और वही उससे ही वो क्या कर रहा था, सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था। फिर प्रोटिस्टा या डाई एटम्स में क्या हो रहा होगा कि ये सेल आपस में एक ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे होंगे, सांस में रह तो रहे होंगे, ठीक है, और ये सेल का अंदर का स्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया होगा, लेकिन ये बेसिकली क्या कर रहा होगा कि ये अभी भी खुद से ही सारे काम कर रहा होगा, ठीक है। ये साथ में तो रह रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी को ले लें, है ना, और डाई एटम्स ले लें, ठीक है, इस तरीके के जो भी चीज़ें लेते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें इसी प्रकार के जैसे कि युगलीना है, ठीक है, युगलीना भी क्या कहा जाता है, डाई एटम्स या प्रोटिस्टा कहा जाता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। फिर इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि ये हमने क्या कहा, ये हमने बनाया पूरी तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये यही फंक्शन किस में परफॉर्म होता है, ये एनिमल सेल में परफॉर्म होता है, ठीक है, ये एनिमल सेल में परफॉर्म हो रहा होगा। प्लांट सेल इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, प्लांट सेल इससे डिफरेंट हो जाएगा, प्लांट सेल में कुछ अलग बातें आ जाएंगी, और इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। हमने कहा कि सेल भी कोई एक प्रकार का नहीं होता, ये हमने एक कॉमन टाइप ले लिया है कि ये कॉमनली किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे थे, हम लोगों का ये बायोलॉजी का फर्स्ट सेक्शन था, हम लोग एक आउटर बाउंड्री बनाना सीख रहे थे कि किस तरीके से लाइफ एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, किस तरीके से वो ऑर्गन बनाती है, किस तरीके से वो काम करती है, इन सब बातों को हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे थे अपने इस पहले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में भी कुछ बातें कवर करेंगे, इन बातों को और भी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि ये बातें क्या हैं, किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, और डिटेल्स में हमें जो कवर करना है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें कि हम इसके फर्दर क्लासिफिकेशंस को भी देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, उसमें कुछ वैक्यूल्स वगैरह प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और कैसे उनके कलर्स में जो चेंजेस आते हैं वो किस कारण से आते हैं, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी ढेर सारी हमें बातें करनी हैं, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर लाइफ और उसके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को जाना कि किस तरीके से ये लाइफ हमारी अर्थ में एग्जिस्ट करती है, और ये हमारा बायोलॉजी का एक प्रिलिमिनरी सेक्शन था जहाँ पर हम लोगों ने बायोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। ये सेक्शन, ये लेक्चर आप लोगों को किस तरीके से पसंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग इसे ज़रूर बताते रहिए, कमेंट सेक्शन में हमारे रिप्लाई करते रहिए, और हमारे जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।